हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता. वंस अगेन आई वेलकम यू पीपल ऑन माय चैनल विजेता एडुटक. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ. ये वीडियो ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर है. ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 14 है. अगर आप इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं. इस तरह के वीडियोस में मैं हमेशा आप लोगों के लिए 10 नए ईडियम्स लेकर आती हूँ. इसके मीनिंग्स मैं आप लोगों को हिंदी में बताती हूँ और इंग्लिश में भी बताती हूँ, और इन्हें एग्जाम्पल्स देकर आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ कि कैसे आप अपने सेंटेंसेस में इन ईडियम्स को यूज़ करके अपने लैंग्वेज को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. तो आज हम लोग जिन ईडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं एट फुल स्ट्रेच, टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स, टू हैव टू स्ट्राइक्स अगेंस्ट वन, स्ट्राइक्स एट द रूट, टू स्ट्राइक वंस फ्लैग, टू कीप हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, बेब्स एंड सकलिंग, टू राइज विद द सन, स्विंग एंड राउंड अबाउट्स, टू क्रॉस स्वर्ड्स विथ. तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Our first idiom is at full stretch. It means to the limit of one's ability, यानी पूर्ण क्षमता के साथ. वो कहते हैं ना, पूरे जोर शोर के साथ. For example, she is preparing for the examination at full stretch. यानी वो अपने सॉरी वह पूर्ण क्षमता के साथ परीक्षा की तैयारी कर रही है. यानी वह पूरे जोर शोर से अपनी क्षमता के साथ पूरी जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रही है. आर नेक्स्ट ईडियम इज टू मेक ग्रेट स्ट्राइड्स. इट मीन्स टू प्रोग्रेस वेल, यानी अच्छी प्रगति करना. फॉर एग्जाम्पल, The students of this class are making great strides. यानी इस कक्षा के छात्र अच्छी प्रगति कर रहे हैं या अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं. Our next idiom is to have two strikes against one. यानी to be in an unfavorable or critical position. यानी प्रतिकूल परिस्थिति में होना, यानी ऐसी परिस्थिति में होना जो आपके अनुकूल ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू अग्लीनेस एंड लैक ऑफ एडुकेशन यू हैव टू स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर सेल्फ टू सर्च अ ब्राइड ग्रूम फॉर योर डॉटर. यानी कुरूपता और शिक्षा की कमी के कारण आप अपनी बेटी के लिए दूल्हे की तलाश करने में प्रतिकूल स्थिति में थे, यानी परेशान थे. Our next idiom is strike at the root, yani attack at the source. या इसे हिंदी में कहते हैं समूल नष्ट करना, मूल के साथ नष्ट करना या फिर जड़ पर प्रहार करना. वो कहते हैं ना, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए तो उसके सोर्स पर अटैक करो, उसके जड़ पर प्रहार करो. द सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर स्ट्रक एट द रूट ऑफ ऑल माई ईवल्स. यानी मेरे शिक्षक ने मेरी सारी बुराइयों की जड़ पर प्रहार किया. आर नेक्स्ट idiom इज टू स्ट्राइक वंस फ्लैग, यानी टू सरेंडर, यानी समर्पण करना या आत्मसमर्पण करना. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर अरेस्टिंग द क्रिमिनल बट ही स्ट्रक हिज फ्लैग बिफोर टाइम. यानी सरकार ने अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए इनाम की घोषणा की, लेकिन उसने समय से पहले ही समर्पण कर दिया या आत्मसमर्पण कर दिया. आर नेक्स्ट idiom इज टू कीप हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. किसी एक बात को बार बार रिपीटेडली दोहराना. फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन केप्ट हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग. यानी विपक्ष के सदस्य उसी बात को बार बार
दोहराते रहे, बार बार रिपीट करते रहे। नेक्स्ट इडियम इज बेब्स एंड सकलिंग, यानी इनोसेंट चिल्ड्रन या नन्हे बच्चे, शिशु यानी टॉटलर्स कह सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, बेब्स एंड सकलिंग नीड प्रॉपर केयर, यानी शिशुओं को उचित देखभाल की ज़रूरत होती है, दे नीड प्रॉपर केयर। नेक्स्ट इडियम इज टू राइज विद द सन, वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग, सूरज के साथ उगो, वही। टू राइज विद द सन मीन्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठना। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन शुड राइज विद द सन, सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूरज के साथ उठना चाहिए। आर नेक्स्ट इडियम इज स्विंग्स एंड राउंड अबाउट्स, यानी अ मैटर ऑफ बैलेंसिंग प्रॉफिट्स अगेंस्ट लॉसेस, यानी लाभ और हानि का संतुलित होना या संतुलित करना। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस मैन मस्ट हैव स्विंग्स एंड राउंड अबाउट्स इन द बिजनेस, यानी एक व्यापारी के पास लाभ और हानि का संतुलन जरूर होना चाहिए। आर नेक्स्ट इडियम इज टू क्रॉस वर्ड्स विथ, यानी टू फाइट या झगड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, अजीत क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स विथ हिज ब्रदर्स फॉर डिविजन ऑफ पैटर्नल प्रॉपर्टी, यानी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए अजीत ने अपने भाइयों के साथ झगड़ा किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने 10 नए ईडियम्स ज़रूर से सीखे होंगे। आशा करती हूँ कि ये ईडियम्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे और इन ईडियम्स का इस्तेमाल आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, अपने इंग्लिश स्पीकिंग में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने इंग्लिश स्पीकिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। और हाँ, प्लीज़ अगर ये थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ डू अ कमेंट दैट हाउ आई एम डूइंग। यू नो, कॉम्प्लीमेंट्स मेक आर सेल्स बेटर। सो थैंक यू।